to happy birthday to you happy birthday dear Subha bhai guys हम लोग आज पहुंच गए हाशिमारा सिलीगुड़ी पे थे स्पेशली भैया का बर्थडे के लिए क्योंकि मम्मी है हाशिमारा में और पापा गाइस गए हैं गांव और कल इसका बर्थडे गाइस हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कल मतलब गाइस मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे बाहर और वहां जाके हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। फिलहाल गाइस ये बर्थडे बॉय अभी बिजी हो गए हैं फोन कॉल्स में। ना ना कल पागल हो गया। अरे अभी तो विश आशीर्वाद अभी विश आशीर्वाद कितना बारिश हो रहा था वो मैं शूट नहीं कर पाया अभी बारिश का सीजन चल रहा है। कल नाना जाएंगे बाहर कल होगा पार्टी और यहाँ पर हो रहा है अभी केक के जगह पे गाइस आम कट हो रहा है और आम खिला रहे हैं सबको और कल गाइस पार्टी होगा फुल सुबह के बर्थडे का पार्टी कल होगा। ब्लॉग काफी तगड़ा होने वाला है क्योंकि यार ये ब्लॉग स्पेशली काफी दिनों बाद शूट कर रहा हूँ तो तगड़ा होना ही चाहिए। सुबह का बर्थडे गाइस स्पेशल बनाना है इसका बर्थडे एंड कल का प्लान गाइस देखो पूरा स्पेशल चीज होना है इसके लिए। अम्मा कुछ होता है नहीं ब्लॉगिंग होता हाय करो सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज है 2 जून और आप देख सकते हैं गाइस हम लोग फिलहाल अभी है गाड़ी में और कौन कौन है गाइस यहाँ पर शुभम भैया जो कि मैंने 2 जून का जिक्र किया था गाइस आज इसका बर्थडे है गाइस तो आज इसको स्पेशल फील कराना है। तो यहाँ देख सकते हो फिलहाल अभी हम लोग है हाशिमारा में और हम लोग के साथ पीछे कौन कौन बैठा है गाड़ी में यहाँ हमारी मम्मी है गाइस और हियर इज काना भैया क्या हाल चाल है बढ़िया और यहाँ शिवम भाई है और अम्मा भी जा रही है और गाइस जो हमारे नाना है ना नाना नहीं जा पा रहे क्योंकि उनके घुटने में दर्द है और पापा गए हैं हमारे गांव तो इसीलिए गाइस पापा को हम लोग करेंगे वीडियो कॉल वहां पहुंच के। तो आज गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जयगांव भूटान वहां गाइस चलते हैं भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें क्योंकि काफी स्पेशल चीज करने वाले हैं इसको स्पेशल फील कराने के लिए। तो अभी निकलते हैं गाइस फटाफट फुल फैमिली के साथ बर्थडे इसका आज हम लोग करने वाले हैं काफी स्पेशल। तो चलिए गाइस आप लोग फिलहाल अभी रास्ता आराम से चल भाई। तो क्या हो गया वो तो वेजिटेरियन है। सो फाइनली गाइस वी आर रिच जयगांव और अभी टाइम है गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ भैया का पसंद का आज ड्रेस लिया जाए तो अभी हम जा रहे हैं एम बाजार में भैया के लिए ड्रेस लेने के लिए। चलते हैं गाइस भैया को जो पसंद आएगा वो भैया ले सकता है। ठीक है सुन भैया तेरे पास रहेगा 30 सेकंड तुझे जो पसंद 30 सेकंड में तू ले सकता है। ठीक है वो बिल मैं कराऊंगा। चलो गाइस पहुंचते हैं अभी और हियर इज आवर टीम। तो क्या लेना है ये बताओ तुम्हें क्या टी शर्ट चाहिए नहीं आज दिन है आज ये हमेशा थोड़ी आता है तुम्हें जो पसंद आए। अच्छा चलो ठीक है तुम हम लोग निकालते हैं चॉइस करते हैं। ठीक है चलो ऐसे पहले चॉइस करते हैं फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या लिया इसमें। फाइनली गाइस सिलेक्शन हो चुका है और अभी गाइस आपको दिखाता हूँ कि बर्थडे बॉय कैसा लग रहा है। गाइस आप ये चेकआउट करें मम्मी एक मिनट साइड ये चेक करें गाइस और कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लग रहा है भैया। तो भैया ने ये टी शर्ट चॉइस किया है शर्ट गाइस इस पर नहीं लिया ये टी शर्ट में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड पहन के आया था ये फॉर्मल और अभी चेंज करके ये एंड गाइस चलते हैं गाइस अभी बिलिंग कराते हैं अभी भैया को गिफ्ट तो मिल चुका है बाकी अभी कुछ और स्पेशल करवाते हैं। बने रहिए ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा कि नेक्स्ट स्पेशल क्या होने वाला है। और गाइस हमने भैया से ये फॉर्मल निकलवा के डायरेक्ट यही पहना लिया अभी बिलिंग ऐसी होगा ये कार्ड देखकर एक मोबाइल अभी टैग फाड़ना है ये भी फाड़ के देना पड़ेगा ना ऐसे कैसे स्कैन करेगा। हाँ चचिस चलो ठीक है ये छोटू की तरफ से बोल रहा है चलो और चलो गाइस ना अभी फटाफट बिलिंग करवाते हैं दूर से भाई के साथ फोटो लेंगे क्योंकि भाई भी गाइस मेरी वीडियो देखते हैं काफी अच्छा लगा देखकर। Thank you.
क्या बर्थडे तो इसका है, बर्थडे तो इसका है। तो अभी भैया गए हैं भूटान काना भैया को लेके, क्योंकि क्योंकि गाइस काना भैया देखे ही नहीं है ना भूटान, तो वहाँ गए तो भैया के लिए सेकंड सरप्राइज हम लोग आए हैं यहाँ पर केक लेने के लिए। फिलहाल भैया पूरा लिखा है, हैप्पी बर्थडे लिख देंगे ना, हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे भैया, हाँ वो लिख दो, हैप्पी बर्थडे भैया लिख दो, आ जाएगा ना भाई उसमें, ठीक है। ओके तो गाइस भैया के लिए केक लेने आए हैं, तो ये इसका है सेकंड सरप्राइज, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि हम लोग केक भी लेंगे। तो अभी फिलहाल वो लोग गए हैं भूटान, मम्मी और मम्मी अम्मा को बैठा दिए गाइस हम लोग रेस्टोरेंट में, जहाँ हम लोग आज का डिनर करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से केक लेते हैं और फिर निकलते हैं, चलो गाइस नाम लिखवाते हैं फिर वहाँ से निकलते हैं। गाइस हमने केक ले लिया है, फटाफट चलते हैं रेस्टोरेंट जहाँ मम्मी और अम्मा बैठे हुए हैं, चलते हैं और भैया लोग अभी फ़ोन करेंगे गाइस, उसको भी बुलाएंगे एंड केक कट करते हैं हम लोग फाइनली। तो गाइस मैं भैया के बारे में क्या ही बोलूं, भैया ऐसा है ना गाइस, वो कभी किसी चीज़ का डिमांड किया ही नहीं है, छोटे से गाइस इतना बड़ा हो गया है, ना ही पापा से ना ही मम्मी से, वो हमेशा गाइस अलग रहा है, अकेला रहा है और बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। तो उसके गाइस स्पेशल दिन में गाइस स्पेशल तो करना बनता है, चलते हैं बाकी अभी केक कट कराते हैं गाइस उससे, ताकि उससे काफ़ी अच्छा फील हो। एंड अभी पापा तो है नहीं गाइस, पापा गांव में है, तो वीडियो कॉल करेंगे पापा को, उनको भी दिखाएंगे। सो गाइस हम यहां पर आए थे रेस्टोरेंट में भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, एंड यहां पर काफ़ी खूबसूरत गाइस मेरे फैंस तो जो मेरे वीडियो देखते हैं वो भी आए हुए थे और इन्होंने मुझे पहचान लिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। एंड आप लोगों का नाम जान सकते हैं हम? मेरा नाम प्रिया जयसवाल। प्रिया? गुड़िया जयसवाल। अच्छा गुड़िया जयसवाल। मेरा नाम अंजलि जयसवाल। अंजलि जयसवाल। आपका? ओके गाइस फोटोज लेते हैं इनके साथ और बर्थडे विश कर दो बाबा, बर्थडे विश। बस अब आप भी यहाँ हो गए मौजूद, वो टाइम आ गया है, मतलब जिस टाइम का हम लोग वेट कर रहे थे, एंड भैया को स्पेशल फील कराने का टाइम एंड केक कटिंग का टाइम और उसका बर्थडे स्पेशल बनाने का टाइम आ गया है। फुल फैमिली का ही साथ में आपको रेस्टोरेंट में है, एंड आप ये चेक करें गाइस, ये चेक करें, काफ़ी सुंदर सा डेकोरेशन हुआ है भैया के लिए। भैया हाउ इज़ द फीलिंग, कैसा लग रहा है? वेरी गुड। चलो और गाइस भैया के लिए केक है और भैया केक अनबॉक्सिंग करें और स्टार्ट करते हैं आपका केक कटिंग सेरेमनी। और गाइस पापा भी है यहाँ पर और ये रही मम्मी, गाइस मम्मी, हम लोग स्पेशली गाइस मम्मी के लिए आए हाशी मारा। हाँ पापा नहीं सुन लगा। हाँ वही ना गाइस, पापा होते तो और ज्यादा मजा आता एकदम। फाइनली ये केक जो देख सकते हो गाइस, इतना बड़ा केक आया हुआ है, फाइनली अनबॉक्सिंग हो गया है। सो भैया ये रहा आपका केक, बर्थडे केक। तो हियर इज गाइस हैप्पी बर्थडे भैया, यहाँ पर लिखा हुआ है भैया के लिए केक आ चुका है। एंड ये आप डेकोरेशन चेक करें और वो क्या है फायर वाला, हाँ इसको भी यहाँ ऐसे लगा दीजिए जलाने के लिए, आओ पहले मैच बॉक्स नहीं। भैया का केक कट होने वाला है और यहाँ पर काफी लोग भी मौजूद हैं। ओके भैया स्टार्ट। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Shubham bhaiya, happy birthday to you. Happy birthday, chup thi ab rone lag gayi. Time for gift और guys अम्मा दे रही है gift, मम्मी जी दे रही है और मेरा gift तो भैया पहना ही है और शिवम का gift भी है, black color का jacket कहाँ रखा हुआ? गाड़ी में। हाँ भैया pending okay।
गाइस अभी ऑर्डर कर रहे हैं, भैया को जो पसंद है गाइस वो आ जाएगा। तो भैया क्या पसंद है आपको, क्या मतलब क्या करें ऑर्डर बताओ? जो सब खाते हैं। अच्छा जो सब खाते हैं, चलो ठीक है, मीनिया जो बोलेगा भाई वो आज होना ही है। तो सब वही खाते हैं गाइस, तंदूरी रोटी पनीर, तो देखते हैं बेस्ट कुछ होगा वो मंगाते हैं। एंड गाइज आप ये चेक करें गाइज, रैंडमली गाइज हमारे फैंस मिल गए और भैया के बर्थडे में स्पेशल इन्होंने गिफ्ट लेके आया, ये सोचा नहीं था। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर एंड नेक्स्ट टाइम भी जरूर मिलेंगे। सो फाइनली गाइज हो चुका है भैया का सेलिब्रेशन एंड लास्ट गाइज, अभी हम लोग फिलहाल घर जा रहे हैं और भैया के लिए लास्ट एक सरप्राइज है, वो भैया तेरे को मिलेगा घर जाकर, ठीक है। एंड वो सरप्राइजेस काफी यूनिक है, बंद करो बंद करो नहीं भैया। हाँ हाँ, सो गाइस अब लास्ट एक और सरप्राइज बाकी है, वो सुबह मैं घर जाके तुझे दिखेगा और उसके पीछे काफी मेहनत किया है शिवम, क्योंकि वो सुबह से शिवम रख मतलब अरेंज कर रहा है वो सरप्राइज का, देखिए ठीक है। तो गाइस चलते हैं घर पहुंचते हैं और आपको टीवी पे आपको दिखाते हैं, भैया को दिखाते हैं और रिएक्शन कैच करते हैं, तो रिएक्शन कैसा है। ओके लेट्स गो गाना भैया, यूट्यूब में डाल दीजिए, देखिए तो ड्राइवर सीट बेल्ट। एंड गाइस अब ये चेक करें, नशा में जी ये लूं हीरो तो गाइज भैया का सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग फिलहाल घर पे पहुंच चुके हैं और भैया का आखिरी सरप्राइज, भैया आर यू रेडी फॉर द आखिरी सरप्राइज? और ये सरप्राइज गाइज काफी इमोशनल हो सकता है और मतलब मैं बता दिया आपको पहले ही, ठीक है, तो आप उसके लिए रेडी हो जाए। हाँ तो मतलब रिएक्शन काफी हो सकते हैं, तो गाइज मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखाऊंगा और अभी एक वीडियो प्ले होगा, ठीक है, वो वीडियो सबको दिखाएंगे, वो वीडियो गाइज एडिट किया है, मेहनत किया है, वो सब ये वीडियो मतलब जाता है गोज टू शिवम, इसने काफी मेहनत किया गाइस ये वीडियो के पीछे। तो शिवम कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के लिए? प्लान किसका था? बस ये यही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट दूं, तो सोचा कि वो तो वैसे भी अपने लिए कुछ सब कुछ खरीदता ही है, सब लेता ही है, मैं क्या दे सकता हूँ, तो सोचा कि कुछ ऐसा देता हूँ जो हमेशा उसको याद रहेगा, तो बस यही वीडियो। वाओ गाइस भाई का इतना अच्छा ब्यूटीफुल थॉट है, पता नहीं था मेरे को। एंड मतलब ये भैया के लिए अचानक से गाइस मुझे बोल रहा था कि सचिन भाई उसके पास तो सब कुछ है, मैं उसको क्या दूं, तो मैं भी उसको आइडिया नहीं दे पा रहा था, फिर ये खुद ही सोचा। तो अभी प्लीज ज्यादा बात नहीं करते हुए गाइस वीडियो प्ले करते हैं एंड उसको दिखाते हैं, ठीक है सुन भैया, आर यू रेडी? रेडी। शुभम भैया का बर्थडे है आज, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी, बहुत बहुत बधाई हो, खुशी हो, खूब तरक्की करे, आगे बढ़े। उसका सबसे अच्छा आदत कौन सा लगता है आपको? आपको सब कुछ उसको अच्छा लगता है। बर्थडे शुभम तिवारी। अच्छा तो नाना बताओ आपको क्या अच्छा लगता है शुभम भैया के बारे में? बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा सब काम में आगे है और सबका इज्जत करता है, हैं? अच्छा छोटे बड़े का सबका जो है सम्मान के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखा है। बर्थडे शुभम भैया, और आज का तेरा दिन एक मस्त एंजॉय कर आज का दिन, और तेरे होते हुए मतलब मैं सबसे लकी हूँ कि तू मेरा भैया है और तेरे होते हुए किसी चीज की कमी नहीं होती है, बाकी दिन को मस्त एंजॉय कर, एकदम फाड़ू और ऐसे ही खुश रहा कर। हैप्पी बर्थडे टू यू शुभम बेटा, को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खूब बढ़िया से आगे बढ़ो। हैप्पी बर्थडे शुभम, तुम सदा खुश रहो, ऐसे आगे बढ़ते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में? उसका सब कुछ अच्छा लगता है, वो मेरा आज्ञाकारी बेटा है, जो मैं बोलती हूँ वो करता है और मेरी सारी विशेष पूरा करता है, कोई मेरा बात काटता नहीं है, जो बोलती हूँ
वो सर झुका के करता है। कुछ बुरा भी तो होगा उसमें, बताओ। नहीं, बुराई कुछ नहीं है, थोड़ा गुस्सा है उसके में, और कोई बुराई नहीं उसके में। सबसे आजकल के जमाना से बहुत अच्छा लड़का है वो, माँ बाप को प्यार करने वाला है, भाई लोग को प्यार करता है। इसीलिए तो मैं, हम लोग शांत से रहते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। लोग हेलो शुभम, मनी मनी हैप्पी रिटर्न सौभाग्य, हैप्पी बर्थडे। जीवन के रास्ते हमेशा गुलजार रहे हैं, चेहरे पर आपके सदा मुस्कान रहे, बेटा है दिल ये दुआ हमारी, जिंदगी में हर खुशी आपकी बहार रहे, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे शुभम, हैप्पी बर्थडे, सदा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे शुभम भैया, हैप्पी बर्थडे बेटा शुभम, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे शुभम भैया, एंजॉय योर भैया, हैप्पी बर्थडे। शुभम बाबू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, जन्मदिन मुबारक हो। शुभम बाबू को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे शुभम, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो बेटा तुझे, माता रानी करे तू हमेशा खुश रहे, तू सबसे अच्छा बेटा है, तू भी माँ की बहुत केयर करता है, हम सबकी केयर करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, और शुभम सबकी बातें मानता है। आज के ज़माने के जैसे बच्चे हैं जो कि बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अच्छे से बात नहीं सुनते, उसके अपेक्षा मेरा शुभम सबसे अच्छा है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे शुभम, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड। हैप्पी बर्थडे शुभम, हैप्पी बर्थडे शुभम, हैप्पी बर्थडे शुभम भैया, आई होप तुझे अच्छा लगा होगा ये वीडियो। सोच रहा था कि क्या दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सोचा कुछ ऐसा गिफ्ट दूं जिससे तेरे को हमेशा याद रहे, तो ये वीडियो तेरे लिए। जो कह रहे थे पसीना पसीना हो गया ये तो सुन भैया, कैसा लगा सरप्राइज, जरा कुछ बोलना चाहेंगे सबके लिए, फुल फैमिली के लिए? बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है बहुत, बस ऐसे सब लोग खुश रहे। चलो बढ़िया, आई होप आप ये दिन स्पेशल लगा होगा। चलो बढ़िया। सो गाइस, आज का और 11 बज गया, एक घंटा सिर्फ बचा है और 2 जून खत्म हो जाएगा, उसके बाद गाइस नॉर्मल जैसे ट्रीट करते थे वैसे ही ट्रीट करेंगे। आज स्पेशल बर्थडे आज खत्म हो जाएगा एक घंटा बाद, अभी भी एक घंटा है, ठीक है, जो चाहिए फटाफट बोल देना। ओके गाइस, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, धाकड़ धाकड़ ब्लॉग में गाइस, सच बता। और ये ब्लॉग आप लोग देखना गाइस और शेयर जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।